आदरणीय सभी हमारे विजयपुर के कार्यकर्तागण मतदातागण, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं उस दिन शिवपुर में ही रहूंगा, सब कार्यकर्ताओं के एक तरह से मनोभाव को समझते हुए जो डर और आतंक का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो डकैतों का उपयोग किया चुनाव में, ये सब पुलिस प्रशासन भी एक तरह से बीजेपी का कार्यकर्ता बना, कलेक्टर और एसपी नौकर बन के बीजेपी का काम कर रहे हैं, इन सब परिस्थितियों को देख के निर्णय लिया गया था कि हम शिवपुर में सारे परिवार के लोग इकट्ठे होंगे जिला मुख्यालय। क्योंकि मैं समय पे आया, सुबह 4 बज के निकला था मैं इंदौर से, और यहाँ पुलिस प्रशासन के निर्देश हुए कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, तो स्वाभाविक है कि कानून और व्यवस्था का सम्मान करना हमारा दायित्व है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। पर मैं सारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं शिवपुर की बॉर्डर पे हूँ, और आप चिंता न करें, किसी भी प्रकार की कोई भी भावना ऐसी, आप मतदान ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में हो, हम जीतेंगे 50,000 वोट से। पर याद रखो इस बात को कि सारे परिवार के लोग एक एक मतदान अपना जो कांग्रेस के पक्ष का है आप पोलिंग स्टेशन तक ले जाओ, इधर उधर की किसी बातों में नहीं आना है। हर परिस्थिति में कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से एकजुट है, एक साथ है, और आप सारे पोलिंग पे अपन भारी बहुमत की ओर है, एक एक मत डलना चाहिए ये सुनिश्चित हो। मैं सभी कार्यकर्ताओं से गांव-गांव के पोलिंग स्टेशनों के, मुकेश मल्होत्रा जी को जो डिटेक्ट किया गया, तो रामनिवास रावत को भी डिटेक्ट किया गया है। हमने पुलिस प्रशासन को इतनी छूट नहीं दी कि हमारे कैंडिडेट को अंदर कर दे और रामनिवास बाहर जी बाहर घूमते रहे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए, मैं बॉर्डर पे बैठूंगा, चुनाव के पेटियां जब तक जमा नहीं होगी, पर आप लोग एक एक परिवार के लोग पोलिंग स्टेशन पर अपना दायित्व का निर्वाह करें, एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष का अपने एक नंबर के बटन पे दबवाएं, मैं प्रार्थना करता हूँ।